नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात करने जा रहे हैं आपके फेवरेट शो सुहागन की। दोस्तों, सीरियल सुहागन की कहानी में ना फाइनली स्वरा का एक मकसद तो पूरा हो गया है, प्रभा को घर लाने का, लेकिन अब दूसरा मकसद है माँ बेटे के बीच के दरार को और नफरत को कम करने का। वेदांत की नफरत और गुस्से की आग जो प्रभा के लिए है वो तो आप सब देख ही चुके हैं, उसके बावजूद स्वरा की नाकामयाब कोशिशें वो भी आप देख चुके हैं। अब स्वरा इतनी कोशिशें कर रही है कि कैसे भी करके प्रभा और वेदांत के बीच की दरार को मिटा सके, तो वहीं कोयल इस फराक में लगी है कि इस दरार को इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाए कि जीवन में कभी ना जुड़े, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो कोयल का पत्ता साफ हो जाएगा। अब यहाँ एक तरफ है बुराई और एक तरफ है अच्छाई, किसकी जीत होगी ये आप अच्छे से जानते हैं, हमेशा अच्छे की ही जीत होती है और ऐसे में स्वरा की जीत पक्की हो चुकी है, क्योंकि वेदांत और प्यारी प्रभा के बीच की दूरियां कम होने लगी है और कम होते होते खत्म भी हो जाएगी, क्योंकि स्वरा एक अच्छा काम कर रही है और हमेशा सच की जीत होती है, ये बात आप और हम अच्छे से जानते हैं। ऐसे में सीरियल में भले ही बहुत सारे मुश्किलों का सामना करके ही सही, मगर टीवी सीरियल्स की जो बहुएं होती है ना वो अच्छे कर्म कर ही जाती है। अब देखिए ना कितनी मेहनत और मशक्कत के बाद हमारी प्यारी स्वरा की वजह से वेदांत और प्रभा का रिश्ता सुधर गया। इस बात से कोयल के होश उड़ गए हैं, कोयल का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है और अब ये गुस्सा बर्बादी पर उतर आया है, क्योंकि अब तो वो प्यारी प्रभा, वेदांत और स्वरा इन तीनों को जो है ना अपनी जिंदगी से आजाद करके ही दम लेगी और अब इन तीनों की जान की प्यासी बन चुकी है कोयल। अब देखते हैं कि इन तीनों की जान लेने के लिए कोयल का मकसद और प्लान क्या होगा। वैसे कोयल का मास्टर प्लान ना अधिकतर कामयाब हो जाता है, तो क्या इस बार का भी प्लान कामयाब होगा? क्या कहना है आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा।